हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस सो माय डियर फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम फिर से एक बार एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तो इस सीरीज़ में हम वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियसली डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में आए हैं और इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से हम एमसीक्यूज लेकर के आए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में वो पूछे जाएँ तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर वन क्वेश्चन विच अमोंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स तो देखिए हड़प्पा में जो एक्सकेवेशन की गई जो खुदाई की गई तो उसमें इन में से कौन सी चीज़ नहीं मिली है तो ऑप्शन ए देखिए ड्रेन्स एंड वेल्स तो देखिए ड्रेन्स एंड वेल्स तो हमें हड़प्पा से मिले हैं ठीक है फोर्ट्स किले भी मिले हैं रेजरवायर्स भी हमें मिले हैं ठीक है दैट मीन्स कि ऑप्शन डी जो है टेम्पल्स विद शिखर्स ठीक है टेम्पल्स हमें हड़प्पा से नहीं मिले हैं एक्सकवेशन करके तो हमें ऑलरेडी एविडेंसेस से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो थे वो मदर गॉडेस की पूजा जो है किया करते थे मदर गॉडेस की पूजा किया करते थे हड़प्पन इसके अलावा वो पशुपति शिवा की भी वर्शिप किया करते थे हड़प्पन ठीक है तो टेंपल्स हमें कहीं से रिकवर नहीं हुए हैं सो क्वेश्चन नंबर वन का डी पार्ट इज़ द राइट आंसर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है विच वॉज़ द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकियर्ड तो दिए गए जो ऑप्शन हैं इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट है जहाँ पर आर्टिफिशियल ब्रिक यानी ईंट से बना हुआ डॉकियर्ड है तो ऑप्शन ए इज लोथल बी कालीबांगा सी हड़प्पा एंड डी मोहन जोदाड़ो तो इन में से राइट आंसर इज़ ए लोथल में हमें देखने को मिलेगा कि ये आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयर्ड मिला है हमें एक्सकेवेसन के दौरान सो क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट इज द राइट आंसर लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर यानी हड़प्पा की सिविलाइजेशन जो है वो कौन से साल में डिस्कवर हुई है द ऑप्शन ए इज़ नाइनटीन थर्टी फाइव नाइनटीन फोर्टी टू 1921 एंड 1922 तो 1921 में दयाराम सानी के द्वारा हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था सो क्वेश्चन नंबर थ्री का सी पार्ट इज द राइट आंसर लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वॉज एबसेंट इन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टेराकोटाज यानी मिट्टी से बनी हुई जो इमेजेस मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से तो इनमें से कौन सा डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो है वो एबसेंट है बुफेलो ठीक है ये हमें मिला है शीप भी हमें मिली है ठीक है काऊ हमें नहीं मिली है ठीक है तो देखिए पिग भी हमें मिला है तो हमें क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर है वो काउ देखने को मिलेगा ठीक है काऊ कहीं से भी रिकवर नहीं हुई है एक्सकवेशन में सो क्वेश्चन नंबर फोर का सी इज द राइट आंसर सो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव विच वॉज द बैकबोन ऑफ इंडस इकोनॉमी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसकी बैकबोन क्या थी क्या एग्रीकल्चर था क्या ट्रेड या व्हील या कार्पेंट्री इसमें से अगर हम देखें तो ट्रेड ठीक है कारपेंट्री या व्हील वगैरह ये ऑक्यूपेशन जो हैं वो प्रीवेलेंट थे लेकिन बैकबोन जो थी इकोनमी की दैट वॉज द एग्रीकल्चरल सरप्लस सो क्वेश्चन नंबर फाइव का ए पार्ट इज द राइट आंसर सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफ द लैंड सो विच इज़ द हाइस्ट लॉ ऑफ द लैंड तो इंडिया में किस चीज़ को हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है क्या इट इज़ इंडियन पेनल कोड आईपीसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिविल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो इसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसे माना जाता है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाइएस्ट लॉ ऑफ द लैंड सो क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी पार्ट इज़ द राइट आंसर सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफ द लैंड क्वेश्चन नंबर सेवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई तो ऑप्शन देखिए इसके कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने फ्रेम किया है किसने बनाया है क्या ये प्लानिंग कमीशन ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रेसिडेंट ने या वर्किंग कमेटी ने तो देखिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिटुएंट असेंबली ने बनाया है ये आपको अच्छे से याद रखना है ठीक है प्लानिंग कमीशन प्रेसिडेंट और वर्किंग कमेटी ने नहीं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 389 मेंबर्स और आफ्टर पार्टीशन 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उन्होंने ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया है दैट मीनस क्वेश्चन नंबर सेवन का बी पार्ट इज़ द राइट आंसर लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टिड ऑन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस डेट को अडॉप्ट किया गया है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया है और दूसरी चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एनफोर्स या इंप्लीमेंट कब हुआ है तो यहाँ पे अडॉप्ट करने की बात हो रही है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के हमने उसको एडॉप्ट कर लिया तो इसमें ऑप्शन देखिए 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1946 इकत्तीस दिसंबर उन्नीस या छब्बीस जनवरी उन्नीस तो इसमें से अगर हम देखें तो कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है ठीक है तो बी पार्ट जो है दैट शुड बी द राइट आंसर लेकिन ईयर शुड बी 1949 ठीक है छब्बीस नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड सो इट शुड बी द बी पार्ट विच विल बी द आंसर बट देर इज ए मिस्टेक इन द ईयर ईयर शुड नॉट बी नाइनटीन फोर्टी सिक्स इट शुड बी नाइनटीन फोर्टी नाइन ठीक है और छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ये आपको याद रखना है ठीक है सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन छब्बीस जनवरी ठीक है विच डेट वॉज सिलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनाग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इनऑगरेट करने का या इम्प्लीमेंट या एनफोर्स करने का डेट जो है वो सिलेक्ट किया गया तो इसके पीछे के कारण पूछे गए हैं तो देखिए इट वाज कंसीडर्ड एन ऑस्पिशियस डे ये एक बहुत शुभ दिन था क्या ऐसा था बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं था ठीक है ऑन दैट डे क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टिड इन नाइनटीन तो नहीं नौ अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी द कांग्रेस हैड ऑब्जर्वड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930 एंड दिस इज़ द राइट आंसर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया था इसलिए यही डेट जो है वो सिलेक्ट की गई कॉन्स्टिट्यूशन को इनोग्रेट करने के लिए सो क्वेश्चन नंबर नाइन का सी पार्ट इज़ द राइट आंसर लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी वर्ड्स तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल कितने वर्ड्स हैं ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इट कंसिस्ट ऑफ एटी थाउजेंड वर्ड्स दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर टेन का सी पार्ट इज द राइट आंसर सो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर इलेवन मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाई सबसे पहले हमारा गैलेक्सी जो है मिल्की वे उसको किसने देखा था तो फ्रेंड्स यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट इट वॉज सीन बाई गलेलियो गलेलियो ने अपनी टेलीस्कोप से मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले देखा था ठीक है सो क्वेश्चन नंबर इलेवन का ए पार्ट इज़ द राइट आंसर बाकी भी आप देखिए मार्कोनी न्यूटन बाकी साइंटिस्ट का नाम भी है इसमें जिससे आप थोड़ा कन्फ्यूज तो हो सकते हैं लेकिन गलेलियो गलेली इज द राइट आंसर लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हु फाउंडेड द वर्ल्ड ज्योग्राफी तो देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो किसने फाउंड किया है तो इट वॉज़ फाउंडेड बाई इरेटोस्थीन्स। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का बी पार्ट इज द राइट आंसर तो ये एक मैथमेटिशियन थे ज्योग्राफर थे एस्ट्रोनोमर थे और पोइट भी थे इरेटोस्थींस ठीक है तो इन्होंने ही जो है वर्ल्ड जोग्राफी जो है ये फाउंड किया था एंड ही वाज़ ए ग्रीक ज्योग्राफर ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का बी पार्ट इज द राइट आंसर सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम तो नीचे दी गई जो भी टर्म्स हैं इनमें से सोलर सिस्टम से कौन भी टर्म है जो रिलेट नहीं करती तो स्मॉल प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में कॉमेट्स भी हैं ठीक है प्लैनेट्स भी हैं इसके अलावा नेब्यूला जो है वो एक ऐसी टर्म है जो हमारे सोलर सिस्टम में रिलेट नहीं करती तो ये आपको जानना है कि ये वाली टर्म जो है हमारे सोलर सिस्टम से रिलेट नहीं करती सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का डी पार्ट इज़ द राइट आंसर ठीक है तो अभी इस चीज़ के लिए आपको जानना है कि नेब्यूला होता क्या है ये डेंस क्लाउड्स होते हैं गैसेस के गैसेस के डेंस क्लाउड्स होते हैं नेब्यूला और इसमें गैसेस आपको हीलियम देखने को मिलेगी इसके अलावा आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगी ठीक है और इसके अलावा डस्ट भी देखने को मिलेगी इसमें और ये प्राइमरी स्टेजेस पर होते हैं और आपको देखने को मिलेगा कि गलेक्सीज़ इनसे बनते हैं ठीक है और सो नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज वाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्लानिट्स दैट मूव अराउंड द सन तो सन के अराउंड में टोटल कितने प्लानिट्स हैं हमारे ठीक है जो सन के अराउंड में मूव करते हैं तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप कमेंट में इसका आंसर देंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में सन जो कि सेंटर में है तो इसके अराउंड में ठीक है को कितने प्लैनेट्स हैं ठीक है तो वो जो इसके अराउंड क्या करते हैं मूव करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लानिट तो नीचे दिए गए जो ऑप्शन हैं इनमें से सबसे बड़ा प्लानिट कौन सा है क्या जुपिटर वीनस सैटन या यूरेनस तो इसमें देखिए जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानिट ऑफ ओवर सोलर सिस्टम बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं उनको मिला करके भी आप देखेंगे उनका टू पॉइंट फाइव टाइम्स जो है उत, आ, मास है जुपिटर का टू पॉइंट फाइव टाइम्स ठीक है बाकी सारे प्लैनेट्स को अगर मिला दिया जाए तो इतना बड़ा मास है आ, अगर हम जुपिटर की बात करें तो द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ मरकरी मरकरी के कितने सैटेलाइट्स हैं तो ऑप्शन देखिए ज़ीरो वन टू या सिक्सटीन सो जीरो इज द राइट आंसर मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है ये आपको याद रखना है दैट मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ठीक है विच मीन्स कि ज़ीरो इज द राइट आंसर दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का ए पार्ट इज़ द राइट आंसर सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानिट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट्स नीचे दिए गए प्लानिट्स में से किन प्लैनेट्स का कोई भी जो है सैटेलाइट नहीं है तो इसमें देखिए डिफरेंट ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा लेकिन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर मरकरी और वीनस जो है इनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है ठीक है मरकरी एंड वीनस जो है इनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है बाकी सबका सैटेलाइट होगा प्लैनेट्स का जो हमारे सोलर सिस्टम में है सो so, आज हमने सेवनटीन क्वेश्चन को डिस्कस किया और सेवनटीन क्वेश्चन का बी पार्ट इज़ द राइट आंसर सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में ठीक है जहाँ पर हम फिर से एम सी क्यूज ले करके आएँगे आपके लिए जो अपकमिंग जे के एस एस बी या एस एस सी एग्ज़ाम्स हैं जो भी एग्ज़ाम आप कॉम्पिटेटिव दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए तो उसके लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे जो प्रीवियसली पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम्स में और आगे भी हाई प्रोबेबिलिटी है जिन क्वेश्चन की वो हम डिस्कस करेंगे अपनी डिफरेंट वीडियोज़ में ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है तो अच्छे से आप इन वीडियोज़ को देखिए और बीच में हमने एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया नहीं है वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ठीक है उसका आप कॉमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स अगर आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी तरह की कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स हैं सेवन टू नाइन एट फोर वन सिक्स नाइन एट ज़ीरो एंड अदर नंबर इज़ सेवन ज़ीरो फाइव वन ज़ीरो थ्री टू नाइन फाइव फोर अगर आप हमारे ऑफिस में विज़िट करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है करियर प्लस अपोजिट कॉमर्स कॉलेज सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे